First of all, good morning to all of you. By the grace of great Vaheguru and great God, let us start our today's lecture. आज हम करेंगे important questions of the diploma के जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका exam है, तो diploma के जो physics का exam है, उसको जो important questions हम discuss करेंगे. तो I would like to start from the unit first, that is called a wave motion. So what is wave motion? What is transverse एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन और उनके क्या एग्जांपल्स हैं, ये क्वेश्चन आता है आमतौर पे. व्हाट इज साउंड वेव, व्हाट इज लाइट वेव एंड व्हाट इज रिलेशनशिप अमंग वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड इट्स एप्लीकेशन, इस पे आता है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वेव इक्वेशन, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, इस पे इसको ड्राइव करना. व्हाट इज वेव इक्वेशन, इसको ड्राइव करना. व्हाट इज फेज डिफरेंस, इस पे क्वेश्चन आता है. The most important is principle of superposition of waves. इस पर भी क्वेश्चन आता है. And the next is what is simple harmonic motion. Acceleration is proportional to negative of displacement. That is called as simple harmonic motion. इस पर क्वेश्चन आता है simple harmonic motion. उसकी definition, what is displacement, what is velocity, what is acceleration, what is time period, what is frequency. इस पर क्वेश्चन आता है. और concept of simple harmonic progressive wave. इस पर भी क्वेश्चन आता है. What is free, force and resonance vibrations with examples? इस पर भी क्वेश्चन आमतौर पर आता है. What is infrasonic, what is ultrasonic, what is reverberation, what is reverberation time, echoes, इस पर क्वेश्चन आता है. उस पर numericals भी आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में what is रिफ्लेक्शन, what is रिफ्रैक्शन एंड what is refractive index, इस पर क्वेश्चन आता है. लेंस फॉर थिन लेंसेज, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, इस पे क्वेश्चन आता है. इसमें आता है कि लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, दोनों पे दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्वेक्स लेंस का जो आर्टिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज पाथ, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इस पे भी क्वेश्चन आता है. इसके अगला टॉपिक है व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. व्हाट इज TIR, इसको TIR बोलते हैं. व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल and conditions for the total internal reflection. ये बहुत important article है. The next topic is what is simple microscope and what is a compound microscope. इस पर भी question आता है. What is magnifying power और इसके अलावा what is optical fiber and what is the technology which is working behind the optical fiber which is called a TIR. तो optical fiber में TIR ही होता है, उस पर question आता है. अब इससे अगला जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड यूनिट 3 विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक. इलेक्ट्रोस्टेटिक में व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज कूलम्स लॉ, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या है और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस लॉ हम यूज करके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, प्लेन चार्ज शीट एंड चार्ज स्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज व्हाट इज कैपेसिटर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, और व्हाट इज कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैपेसिटेंस ऑफ अ व्हिच इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज डायलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये 2 मार्क्स में डेफिनेशन आती है कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आगे नेक्स्ट यूनिट में बढ़ते हैं. यूनिट 4 विच इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट इज डीसी करंट, व्हाट इज एसी करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं. इसके अलावा व्हाट इज ओम्स लॉ, उसकी वेरिफिकेशन, सुपर कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, इस पर न्यूमेरिकल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो अगला है व्हाट इज किरचॉफ लॉ. किरचॉफ के 2 लॉज हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है. करंट बीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो फर्स्ट लॉ, वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल इस पे आते हैं. व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सीआरओ, व्हाट इज सीआरओ, व्हाट आर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम बात करेंगे व्हाट इज फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लॉरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये हमने क्लास में किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन एसीडीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स, ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में व्हाट आर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, व्हाट इज प्योर सेमीकंडक्टर, व्हाट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर, व्हाट इज डोपिंग क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड एंड इट्स पी ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोड एज अ रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम हाफ वेव और फुल वेव करवाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और इसमें जो इसका जो अगला है कि व्हाट इज पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, ओनली डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज जीनर डायोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज जीनर डायोड, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलईडी एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड एज एन ऑसिलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो है लेजर, व्हाट इज लेजर, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन, व्हाट इज स्टिमुलेटेड इमिशन, पंपिंग क्या होती है, पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या होता है, एन टू ग्रेटर देन एन वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है लेजर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रूबी लेजर, व्हाट इज हीलियम न्यून लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आता है, जहाँ आइदर रूबी लेजर में से आएगा जहाँ हीलियम न्यून लेजर में क्वेश्चन आता है। और इसकी मेडिकल एप्लीकेशन क्या है और इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है लेजर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद हम आते हैं फाइबर ऑप्टिक्स पे, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंगल्स, व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर, जो कि हमने क्लास में किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी एंड पार्टिकल एंड नैनो मटीरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी के। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द डिप्लोमा स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।